हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, ठीक दिया अभी ठीक है, लेकिन अब एक रोज में एक रात में क्या दिल बदल गया। 1946 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शंस की घोषणा करती है। कांग्रेस चाहती थी भारत को यूनाइटेड बनाए रखा जाए, जबकि मुस्लिम लीग का गोल था सभी मुस्लिम बहुल प्रोविंसेस में अपनी जीत दर्ज कराए और अपने टू नेशन थ्योरी के अंडर अलग पाकिस्तान बनाने के दावे को मजबूत करे। इलेक्शंस के रिजल्ट पूरी तरह मुस्लिम लीग के फेवर में आते हैं। 89.5% मुस्लिम वोट शेयर सीधा मुस्लिम लीग को मिलता है और सिर्फ 4.4% कांग्रेस को। इन इलेक्शन रिजल्ट्स ने साफ कर दिया था अनडिवाइडेड इंडिया के मुस्लिम्स अपने लिए अलग इस्लामिक पाकिस्तान चाहते थे और इवेंचुअली 1947 में भारत के दो टुकड़े किए जाते हैं, लेकिन तब भी 85% मुस्लिम्स इंडिया में ही रह जाते हैं। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद इस हिपोक्रेसी से हैरान है कि अगर सर्वधर्म सद्भाव की ही बात थी तो मुस्लिम लीग को हरा देना चाहिए था, और अगर मुस्लिम लीग को जिता दिया था तो उस पाकिस्तान के सपने को वहाँ जाके जीना चाहिए था।